नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर फरुखाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर फरुखाबाद से बताई जा रही है। दिल्ली में किसान बिल का विरोध कर रहे किसानों में से अब तक 13 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन देश में तमाम किसानों के संगठन इस बिल को किसान विरोधी बताकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले लगभग आधा सैकड़ा किसान जिलाधिकारी कार्यालय अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। किसानों के आने की सूचना पर कलेक्ट्रेट में लगभग 2 सैकड़ा पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए, लेकिन किसानों ने नारेबाजी करते हुए ये मांग की, यदि यह काला कानून नहीं है तो जनता के बीच आएं और इसकी खूबियों को बताएं। मांगे हमने जो मेन मांगे रखी वो 3 विधेयक बिलों को वापस लेने की हमारी मेन मांग है। अगर सरकार इन विधेयकों को वापस नहीं लेती है तो MSP लागू करे, समर्थ मूल्य की गारंटी दे, ताकि किसान भाई जो आज भुखमरी से या जो पैसा लोन लेके खेतों में लगाता है, अपनी उगाई करता है और उसकी फसल जो टाइम पे हो जाती है, जिन लोगों की उसके तो दाम अच्छे मिल जाते हैं, और जैसे टाइम निकल जाता है तो उस फसल के दाम किसान को आधे मिलते हैं, जो कि उसकी लागत मूल्य से भी कम होते हैं। और इसका फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां बिचौले अड़तियां उठाते हैं, वो उस माल को भंडारण करके वही माल किसान को वापस डबल कीमत पे बेचा जाता है। और जब किसान अपना कर्जा लेके अपनी लागत लगाता है, उसकी लागत मूल्य तक ना निकले जाए तो यहाँ का किसान कहाँ से फरबेहाल होगा। मैं सरकार से बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसानों को बिल में संशोधन करे और MSP लागू करने का जो प्रकरण किसानों उठाया उसको लागू करे, तो किसान आंदोलन वैसे ही खत्म हो जाएगा।